हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आइडेंटिटीज ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन इन दिस लेक्चर। और आइडेंटिटीज हमारे पास एग्जैक्टली 12 हैं, बट उसमें हम एक आइडेंटिटी और ऐड करेंगे, दैट विल बी द 13 आइडेंटिटी। दैट इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 12 आइडेंटिटीज। इन्हीं आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे डिफरेंट एक्सप्रेशन को प्रूफ, डिफरेंट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन के इक्वेशन होंगे। सो आइए सबसे पहले आइडेंटिटी लिखते हैं। इसका मतलब है कि हमने एक नल सेट लिया और इसका यूनियन कर दिया आर के साथ में, एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में, सो दैट रिजल्ट्स इन रेगुलर एक्सप्रेशन आर। हम आपको ये भी बता दें कि प्लस का मीनिंग है कि हमने एक यूनियन किया है। लेट्स से हमारे पास एक R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है और एक R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है। सो अगर हमने इसके बीच में प्लस लगाया तो इसका मतलब है कि वी आर टेकिंग द यूनियन ऑफ दीज टू। अगर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिया है और उसके बाद हमने एक दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दिया, तो इसका मीनिंग होता है कि कॉन्कैटिनेशन। सो द फर्स्ट वन इज द यूनियन एंड दिस इज द कॉन्कैटिनेशन। और अगर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन आर है और इसके आगे सुपर स्क्रिप्ट में हमने स्टार लिख दिया, तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज द क्लीन्स क्लोजर। मीनिंग ऑफ द क्लीन्स क्लोजर इज दैट अगर आपके पास लेट से आर में सिंपली केवल ए है, सो क्लीन्स क्लोजर ऑफ आर में होगा एक एप्साइलन होगा। इसका मीनिंग ये कि यू डोंट सेलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस, या फिर आप इसमें से ए के सेलेक्ट कर लीजिए, या आप दो बार एक ए को सेलेक्ट कर लीजिए, या तीन बार ए को सेलेक्ट कर लीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये जो हमारा सेट बना दैट इज दी आर क्लोजर। सो इट मीन्स कि हम एक रिकर्सिवली एक सिलेक्शंस कर रहे हैं। रिकर्सिवली वी आर सेलेक्टिंग द स्ट्रिंग्स, या रिकर्सिवली आर सेलेक्टिंग द सिम्बल्स इन द रेगुलर एक्सप्रेशन। सो एप्सिलॉन भी इसमें होगा, इसका मीनिंग है कि आप इसमें से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप ये कहें कि आपके पास एक आर प्लस है, सो मीनिंग ऑफ द आर प्लस इज कि कम से कम एक एलिमेंट तो इसमें जरूर होगा, इसका मीनिंग है कि इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा। अगर हमने यही माना है कि रेगुलर एक्सप्रेशन में ए है, सो आर प्लस का मीनिंग यहाँ पे होगा कि ए या ए ए या ट्रिपल ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसमें बस एप्सिलॉन नहीं होगा, आप डेफिनेट है कि कम से कम ए के तो जरूर होगा इसमें, या एक रेगुलर एक्सप्रेशन जरूर होगा। इसके अलावा इसमें इनके कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, सो इन्हीं को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमारे पास है, ये हम कह रहे हैं कि एक हमारे पास अगर नल सेट है और उसका हम कॉन्कैटिनेशन करें रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में, सो दिस इज सेम एज रेगुलर एक्सप्रेशन कॉन्कैटिनेटेड विद द नल सेट, एंड दैट विल रिजल्ट इन द नल सेट। सिमिलरली अगर हमारे पास एक नल स्ट्रिंग है लेट्स से एप्सिलॉन, और हमने इसका कॉन्कैटिनेशन कर दिया रेगुलर एक्सप्रेशन आर के साथ, सो दिस विल बी सेम एज कॉन्कैटिनेशन ऑफ एप्सिलॉन आफ्टर द रेगुलर एक्सप्रेशन आर, एंड दिस इज सिंपली आर। इसका एक एग्जाम्पल अगर लें कि अगर मान लेते हैं कि आर में हमारे पास सिंपली केवल ए है, तो हमने एप्सिलॉन ए किया, इसका मीनिंग हो जाएगा ए सिंबल। एप्सिलॉन का मतलब नो सिंबल, फॉलोड बाई अ सिंबल ए, इसका मतलब कि ए होगा। सिमिलरली अ सिंबल ए फॉलोड बाई नथिंग और नो सिंबल, दिस विल एक्चुअली बी ए। सो दैट इज वॉट इट इज रिटन इन द फोर्थ आइडेंटिटी। फिफ्थ आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर हमने एक एप्सिलॉन का स्टार किया या क्लोजर किया, सो इसका मीनिंग एप्सिलॉन ही होगा। मल्टीपल एप्सिलॉन का कोई मीनिंग नहीं है, उसका मीनिंग एप्सिलॉन ही होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास एक नल सेट है और हमने इसका क्लोजर लिया, सो दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन। देन हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है आर, और अगर आप इसका यूनियन कर दें आर के साथ में, सो दिस विल एक्चुअली बी आर। इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अगेन। मान लीजिए कि आपके पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन में ए है, आपने ये माना है कि ये एक सेट है। इसी तरह से अगर हमने इसका यूनियन ले लिया दूसरे सेट के साथ जो कि अगेन ए ही है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा दैट विल कंटेन द सिंबल ए ओनली, बिकॉज सेट में रेपिटेशन नहीं होता है सेम एलिमेंट्स का, तो ए एक ही बार लिखा जाएगा, दैट मीन्स दिस इज आर। देन इसके बाद अगर मान लीजिए कि आपके पास एक आर क्लोजर है और आपने इसका कॉन्कैटिनेशन कर दिया आर क्लोजर के साथ, सो दिस एक्चुअली इज इक्वल टू आर स्टार। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट्स से हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें ए है। लेट्स से हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में ए है, सो अगर हमने आर स्टार लिया तो इसका मीनिंग है कि ए स्टार हम ले रहे हैं, सो ए स्टार का मीनिंग होगा कि एप्सिलॉन वन सिंबल ए और टू सिंबल ए और थ्री सिंबल ए, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
मान लीजिए कि हमने एक कॉन्कैटिनेशन किया आर स्टार का आर स्टार के साथ, इसका मीनिंग ये होगा कि एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ एंड देन कॉन्कैटिनेटेड विद एप्सिलॉन ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर आप कॉन्कैटिनेशन करेंगे एप्सिलॉन का एप्सिलॉन के साथ तो आपको एप्सिलॉन मिलेगा, अगर आप एप्सिलॉन का कॉन्कैटिनेशन करेंगे ए के साथ तो ए मिलेगा, एप्सिलॉन का कॉन्कैटिनेशन करेंगे डबल ए के साथ तो डबल ए मिलेगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरह से अगर आप ए का एप्सिलॉन के साथ कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो ए मिलेगा, अगर आप उसको एक ही सेट में रखेंगे तो ए को केवल एक बार रखा जाएगा, दोबारा नहीं रखा जाएगा। ए का आप डबल ए के साथ कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो ट्रिपल ए आएगा, उसको हम इस सेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सेट हमें मिल रहा है वो बिल्कुल वही है जो कि आर स्टार वाला सेट है, इसीलिए हम कह रहे हैं सिक्स आइडेंटिटी में कि आर स्टार कॉन्कैटिनेटेड विथ आर स्टार इज इक्वल टू आर स्टार। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी ये कहता है कि आर आर स्टार इज इक्वल्स टू आर स्टार आर। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि अगर हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिया और उसका कॉन्कैटिनेशन कर दिया क्लीन्स क्लोजर के साथ में, सो दैट इज सेम एज द क्लीन्स क्लोजर ऑफ आर कॉन्कैटिनेशन विद आर। इसमें मुझे लगता है कि मुझे प्रूफ करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि एक सेट ही बन रहा है जो कि दोनों के लिए सेम होगा, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के लिए और राइट हैंड साइड पार्ट के लिए भी। नेक्स्ट लिखते हैं, लेट से हमारे पास एक आर है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका हमने क्लोजर लिया और इसके बाद हमने अगेन इसका क्लोजर ले लिया, सो दिस इज सेम एज राइटिंग आर क्लोजर। इसको प्रूफ करके देखते हैं, लेट से हमारे पास आर में ए है, अगर हमने आर क्लोजर लिया सो दिस विल बी एक्चुअली बी एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये पार्ट हमें बता देते हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ इसके बाद अगर हमने इसका कॉन्कैटिनेशन कर दिया, सॉरी अगर हमने इसका भी क्लोजर ले लिया, आर स्टार का भी हमने क्लोजर ले लिया, तो इसका क्लोजर लेने का मतलब क्या है कि एप्सिलॉन एंड देन एप्सिलॉन माने इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि सिंगल टाइम सिलेक्शन हुआ तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर इसके बाद मान लीजिए कि दो बार सिलेक्शन हुआ तो एप्सिलॉन विथ ए हो गया, एप्सिलॉन विथ डबल ए हो गया, सो वो भी इसी सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट जो सिलेक्ट होंगे वो इसी सेट के एलिमेंट्स हैं, उसको हम कहेंगे कि दिस इज आर स्टार। सो सिंपली मीनिंग दैट आर स्टार का क्लोजर इज इक्वल्स टू आर स्टार। एंड देन वी हैव लेट्स से एप्सिलॉन प्लस आर आर स्टार इज इक्वल्स टू आर आर स्टार प्लस एप्सिलॉन एंड दिस इज इक्वल्स टू आर स्टार। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, वंस अगेन इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक आर में आर सेट में आपके पास एलिमेंट है ए और उसके बाद आपने इसका क्लोजर ले लिया, सो द क्लोजर विल कंटेन एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ एनी सिलेक्शन ऑफ ए। अब इसके बाद दिस इज द आर स्टार। अगर मान लीजिए कि आपने इसमें एक आर कॉन्कैटिनेट कर दिया चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंड में, लेट्स से हम स्टार्टिंग में इसको कॉन्कैटिनेट कर देते हैं आर को, सो इसका मीनिंग ये हो गया कि ए इज कॉन्कैटिनेटेड विद एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ पे ए जब एप्सिलॉन के साथ कॉन्कैटिनेट होगा तो ए आ जाएगा, डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसको हम पॉजिटिव क्लोजर भी कह सकते हैं। सो आर और आर स्टार को हम कहेंगे कि आर का ये पॉजिटिव क्लोजर है। एंड इफ यू एड एप्सिलॉन ऑल्सो इन दिस सेट इट मीन्स दैट इस सेट में जहाँ पे एप्सिलॉन नहीं है और बाकी ए के सारे कॉम्बिनेशन है तो इस सेट में एक एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे इस सेट में एप्सिलॉन इंक्लूड होगा ये आर स्टार के इक्वल हो जाएगा, सो दैट इज वॉट वी आर रिटन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेट्स टेक अनदर आइडेंटिटी। सो दिस आइडेंटिटी सेज दैट कि हमारे पास अगर पी क्यू है और हमने इसका क्लोजर लिया है तो लास्ट में हमने पी लगा दिया, सो दिस इज सेम एज राइटिंग पी एंड क्यू पी का क्लोजर। आप अगर देखें तो एक अगर पी और पी सेम सिंगल सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस मीन्स दैट इट स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद पी, दिस ऑल्सो स्टार्ट्स विद पी एंड एंड्स विद पी, सो दिस हैज द सेम मीनिंग। नाउ वी हैव अनदर आइडेंटिटी, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इट सेज दैट पी और क्यू
इट्स क्लोजर इज इक्वल टू पी क्लोजर क्यू क्लोजर एंड इट्स क्लोजर एंड दिस इज सेम एज राइटिंग पी क्लोजर प्लस क्यू क्लोजर एंड इट्स क्लोजर। फाइन, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करेंगे। देन वी हैव अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेट्स से इफ दे वी हैव पी प्लस क्यू एंड वी कॉन्कैटिनेट आर विद इट, सो द मीनिंग ऑफ दिस विल बी पी आर प्लस क्यू आर विद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली इफ आई हैव आर एट द बिगिनिंग एंड आफ्टर दिस इफ आई हैव पी प्लस क्यू, सो दिस विल बी आर पी प्लस आर क्यू। फाइन, सो दिस इज द 12th आइडेंटिटी एंड 13th आइडेंटिटी वी आर एडिंग फ्रॉम अवर साइड, सो दिस इज एक्चुअली आर स्टार एंड देन एप्सिलॉन प्लस आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन प्लस आर एंड देन आर स्टार विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू आर स्टार। सो आइए इसको प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में हम एक्सपेंशन कर देते हैं और आर स्टार एप्सिलॉन प्लस आर स्टार आर। सो आर स्टार एप्सिलॉन का मतलब हो गया आर स्टार और इसके बाद आर स्टार आर का मतलब हो गया आर प्लस। ये कहता है कि एक ऐसा सेट जिसमें कि एप्सिलॉन भी है, अगर हम ए वाला ही सेट माने, सो इसका इसका मीनिंग है एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। आर प्लस वाला सेट कहता है कि इसके पास है ए डबल ए ट्रिपल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ, और अगर आप इन दोनों का यूनियन करेंगे तो उस केस में एप्सिलॉन भी इंक्लूड हो जाएगा और जो रिपीटेड एलिमेंट्स है उसको केवल एक ही बार लिखा जाएगा। सो द सेट विल रिजल्ट इन एप्सिलॉन ए डबल ए एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो दिस सिंपली मीन्स दैट दिस इज आर स्टार, सो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, इट मीन्स दिस दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड इफ यू कंसिडर, दिस इज द राइट हैंड साइड वी कंसिडर, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू आर स्टार। So this these are the identities of the regular expression, and we will utilize these identities for proving various expressions related to the regular expressions. Thanks for watching. We'll meet in the next lecture with some questions.